अच्छा, आज का मेरा नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कीमा मेरा बन गया है और जो चीज़ें हैं वो ऑमलेट में एक मुख्तलिफ तरीके से बनाऊंगा, बिकॉज मीट भी है, ग्रीन्स भी हैं और ज़रा सी वैरायटी होनी चाहिए, है ना। अभी दिखाता हूँ। आज ऑमलेट में सिर्फ ये चीज़ें डलेंगी, टमाटर, अदरक और अंडे। अगेन एक चम्मच देसी घी, तो बहुत गर्म हो गया, मुझे लगता है बहुत गर्म हो गया, एकदम बातों में गर्म गर्म हो गया ये सारा। इसमें आपने फ्राई कर लेना है पहले शिमले की मिर्च, बहुत गर्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। क्या हो रहा है, अदरक और टमाटर इकट्ठा फ्राई करने, अदरक और टमाटर। काली मिर्च और हल्दी, एंड लेट इट कुक अ लिटिल बिट। लुक्स गुड, लुक्स गुड। और फिर हमारे अंडे, ठीक है, डाल दूं। आई थिंक आई कैन, मेरा चूल्हा हल्का कर दे इसका, नहीं तो सब कुछ जल जुल जाएगा। अंडे उसी तरह जैसे मैंने सिखाया है, सफ़ेदी जो है वो डालनी है, जर्दी नहीं डालनी है। अभी जर्दी हम नीम खाम खाते हैं, यानी कि आधी कच्ची। और चलो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ग्रीन्स हमारे पास, वो कैप्सिकम भी है, शिमले की मिर्च, उसमें कीमे में वो है, मटर हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। वैसे इसमें थोड़ा सा वो भी आ सकता था, इसकी जल्दी टूट रही है, क्या करें, सर्दी डाल दें, एक सर्दी डाल देते हैं, इसलिए कि टूट रही थी। इसमें वैसे मूली के पत्ते भी आ सकते थे, लेकिन इट्स अ बिट लेट नाउ, इट्स अ बिट लेट। आई विल शो यू, ठीक है। इसको ना पता क्या करना है, इसको ना ऐसे मिक्स कर दें, जैसे खागीना बनाते हैं ना जिस तरह, उस तरह बना लें, बिकॉज इट लुक गुड एंड इट ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी आपस में ना, वो पुराने स्टाइल का खागीना नहीं होता, खागीना। तो नहीं, मेरी शक्ल आ भी रही है, कट रही है, चूल्हा ज़रा सब तेज़ कर लें, ठीक है, बन गया, बन गया। अच्छा, इसके साथ जो है एक मिनट, आलू और वो जो रोटी कल की बच गई थी, वो ज्वारी की रोटी, ये भी गर्म करके खाऊंगा मैं, बट एनी वेज मैंने कहा आपको दिखा दूंगा।
है मेरा नाश्ता आज का, मीशे कल आ रही है ठीक। तो अभी मैं नहा के निकला था, कपड़े पहन लिए, आज मेरी मीटिंग भी है। तो प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, नट्स हैं, सम फ्रूट एंड सम ग्रीन्स। तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये डिफरेंट नाश्ता। रोज़ मैं डिफरेंट बनाया करूँगा, बनाता ही हूँ। तो इसको जिस मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसे। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हैप्पीनेस, हाउ टू गेट रिड ऑफ द फैट व्हाइल हैविंग फैट, व्हाइल ईटिंग फैट, यू नो, ये सारी चीज़ें। सो ओके।